कौन है वो? कौन हो? कौन तुम? ए कौन? कौन तुम? ए ए आगे मत बढ़ना। ए ए ए ए ए ए ए आगे मत बढ़। ए भाई रुको, आगे मत बढ़। ए ए ए आगे नहीं बढ़। ए आगे मत बढ़ना। कौन? ए ए आगे आगे मत बढ़। ए ए ए ए आगे मत बढ़। Show some romance, please. Yeah. Very nice. Sonali, one picture, please. Sure, madam. Yeah. I'm also joining. Awesome. यार ये विपुल का बच्चा कहाँ रह गया? इतना फोन ट्राई किया उसे, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। एंगेजमेंट खत्म हो गई, सब चले भी गए और उसका पता भी नहीं। यार लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो बोला था कि एक घंटे तक पहुंच जाएगा, पर अभी तक नहीं पहुंचा है। हेलो मैडम, कहाँ है आपके बॉयफ्रेंड? आपको तो पता होगा ना। जैसे कि वो मुझे सब कुछ बता के जाता है। जनाब को तो बस अपनी बाइक चाहिए, बस उसके बाद निकल जाते। फिर अगले दिन पता चलता कि शहर में ही नहीं है। मुझसे ज्यादा तो वो अपनी एडवेंचरस ट्रिप को प्यार करता है। आई एम टेलिंग यू, विपुल की एडवेंचरस ट्रिप ना मेरी जान ही ले लेगी। यार कितने फोन कर दिए उसे, नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। विपुल का फोन है। हेलो अंकल। हेलो कर, कहाँ है यार तू? तुम लोग यहाँ काला खंडर गाँव आ जाओ। सुन तू ठीक तो है? हेलो हेलो विप, लगता है विपुल किसी मुसीबत में है। हमें अभी के अभी काला खंडर गाँव जाना होगा। लेट्स गो। चलो ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? पक्का यही रास्ता है ना? GPS के हिसाब से तो यही रास्ता है काला खंडर गांव का सीधा। मुझे समझ नहीं आ रहा विपुल यहाँ आया क्यों था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उसके ऊपर। तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलके उसकी क्लास लेंगे। लगता है वो गांव इधर ही कहीं है। धीरे करो धीरे करो। तेरा बोल काला खंडर गांव लेफ्ट यहाँ से। Thank you.
देखो करें, वहां से कोई आ रहा है, उनसे रास्ता पूछते हैं। भाई साहब, ये काला खंडर गांव का रास्ता किधर से? यहाँ से सीधे जाना, वहां से बाएं मुड़ जाना, वहां पे एक पीपल का पेड़ आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाना। कनिका वो देख, कोई है वहां पे। कहाँ? सोनाली कहाँ है? यही था अभी। कनिका बोरा, कनिका वो देख बोरा, सफेद चादर में। सोनाली कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है ये सब कुछ। नहीं, कोई था वहां पे, कोई था। कनिका सच में कोई था? कोई नहीं है सोनाली। ठीक, शुक्रिया। सुनसान रास्ता देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था इसका ये माहौल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी की आज शादी होगी। चलो उनसे पूछते हैं। आओ। राहु, हमारा एक दोस्त शहर से इस गांव में कहीं आया है, ऐसा लग रहा है किसी मुसीबत में है। आप लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में? उधर चलो। शुक्रिया। विपुल, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ यार, मुझ पे अटैक हुआ था यार। अटैक? हाँ, बट पता नहीं क्या चीज थी, और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इन गांव वालों ने मेरी हेल्प की यार। तुम में से कोई ना कोई मुझे लेने आने वाला ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम सबको बुला लिया जाए, और इसी माने एडवेंचर हो जाएगा यार। विपुल, इट्स नॉट फनी। आई एम सॉरी। तुम्हें होश भी है मेरा क्या हाल हुआ था? सोनाली, आई एम रियली वेरी सॉरी। डोंट टॉक टू मी। नहीं नहीं सोनाली, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। इसके जितने एडवेंचर का शौक है ना, वो हम पूरा कर देंगे। नो, कम ऑन। आई एम सॉरी गाइस। बात ये थी कि यहाँ शादी का माहौल है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम सब भी चलो। एंड सो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई डोंट नो यू। पक्का प्रॉमिस? अच्छा ठीक, मैंने तुमको माफ किया। गाइस, हम लोग गांव में आए हैं तो गांव की शादी एंजॉय करें। शादी एंजॉय करें? अब गुस्सा उतर गया? हाँ, वैसे जगह इतनी बुरी नहीं है। लेट्स गो। चलो मैं कैमरा निकालती हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों कपल रोमांस करो और मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल कबाब में हड्डी बनाने चाहती हूँ, इसीलिए मैं एंजॉय करती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। सुंदर है सब कुछ, कितनी रौनक है यहाँ पे। वाह, खाने में कितना कुछ बन रहा है। अम्मा क्या बना रही हो? अम्मा क्या मैं मदद करूं साथ में? अम्मा 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 अम्मा
सुनिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो गांव में वो आदमी वो करण कुछ दिखाना है। हाँ सुपुल। अरे माया क्या हुआ? ओ सॉरी अपनी आंखें मत खोलना। अरे क्या कर रही हो तुम? जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। खोलो अब। हाँ खोलो। वाओ कितना सुंदर है। कितना ब्यूटीफुल है ना। करण क्या हुआ? नहीं आवाज सुनी? कैसी आवाज? अभी आई। मैंने तो कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं करण फिर सुनी? वो यहीं से आई करण। मैं मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। करण इतनी जोर से आवाज आई करण कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चल रहा हो और ऊपर से और मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आई। कुछ ऐसी आवाज थी जैसे hey, lovebirds चल मुझे कुछ दिखाना है तुझे। क्या दिखाना है? चल ना यार मैं तुझे बताता हूँ। चल यार तुम यहीं रहना, मैं आता हूँ। ठीक है क्या चल बता। अबे चल नीचे यार। चल रहा हूँ। संभाल के आ रहा हूँ। क्या है क्या? चल ना यार फिर बताता हूँ। अरे बता देना। अरे चल यार। ये तो दुल्हन लग रही है। सुनो सुनो वहां कहां जा रही हो? अजीब है। सुनो अरे रुको रुको। तुम्हारी शादी है ना आज? अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? लड़का पसंद नहीं है क्या? अरे भाई जवाब दो, अपनी शादी छोड़ के कहाँ जा रही हो? बोलो। Oh!
अरे मुझे छोड़ो करण, विपुल बचाओ, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, बाहर निकालो। माया, 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 चल। अभी हम शहर से आए थे, मेरे साथ मेरी मंगेतर थी, पीले रंग के कपड़े में थी, आपने देखा है क्या? ताऊ, आपने देखा है क्या, वो पीले रंग के कपड़े में थी? माया, माया, से बताओ क्या हुआ? अंदर विपुल की डेड बॉडी है करण में। डेड बॉडी? अरे विपुल तो अभी मेरे साथ था, इधर ही होगा। करण, करण, माया तुम यहाँ हो यार, पूरे गांव में ढूंढ लिया तुमको यार। विपुल, तुम यहाँ? ये अभी तुम्हारी डेड बॉडी देखी, अंदर है, मैं दिखाती हूँ। यही थी करण, विपुल की बॉडी यही थी, अभी यही थी विपुल की बॉडी। माया, माया, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? करण, वो एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, सफेद रंग की चद्दर ओढ़ी थी, उसने मुझे घसीट के यहाँ फेंक दिया करण में। तुम्हें हाथ लगाया उसने? मैं देखता हूँ किसने तुम्हें हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे करण, करण मेरी बात तो सुन, करण मैं बोल रहा हूँ उसे। भाई साहब, एक आदमी है, उसका चेहरा जला हुआ है, उसको देखा है क्या आपने? सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी है उसने। नहीं, ताऊ, एक आदमी था, उसका चेहरा जला हुआ था, उसको देखा है क्या आपने? इधर ही से गया है शायद। पता नहीं कहां चला गया, एक बार मिलने दो, उसकी खैर नहीं। ए! रुक, भागता किधर है? रुक, भागता किधर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया को हाथ लगाने की? जवाब क्यों नहीं देते हो? कुछ बोलता क्यों नहीं है? देखो, डरता नहीं हूं मैं किसी से, समझे? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाने की?
माया क्या? नहीं मुझे भी नहीं मिला, अंदर देख लिया मैंने हर जगह। करण 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 कहाँ है तुम? करण 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 कहाँ यार? करण 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 माया हो रहा ये रहा मैं यहाँ हूँ। करण कहाँ थे तुम? अरे मैं बस इधर ही गया था, इतना डर गई थी मैं। अरे रिलैक्स मैं ठीक हूँ यार, हमको सबको साथ में रहना है, वो शादी की रस्में शुरू हो गई हैं यार, बारात आ चुकी है, शादी एंजॉय करना है यार हमको, चलो। पर कनिका कहाँ है? अरे कनिका उसको मैंने अंदर देखा था। चलो चलो लेट्स गो, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। ओह चलो मेरी रिकॉर्डिंग। आप लोग बैठिए, बस दूल्हा दुल्हन आता ही हो। थैंक यू। चलो बैठिए बैठिए प्लीज। तुम्हें बड़ी जल्दी शादी देखने की? हाँ यार। सुनो मुझे तो ये देखना है दूल्हा कैसे दिखता है, क्योंकि पता है सुनाली कि दुल्हन मंडप से भागने वाली, और शायद किसी गांव वाले ने देख लिया होगा वापस आ गई। गांव में भी दुल्हन भागती है। राजा अपनी शक्ल तो दिखाओ। करण ये करण यहाँ क्या कर रहा है? करण क्या कर रहे हो तुम? शादी कर रहा हूं। शादी है मेरी आज। बट करण बहुत हो गया मजाक, क्या हो रहा है ये सब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा है शादी कर रहा हूँ, शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। विपुल तुम ही समझाओ करण को। ठीक ही तो कह रहा है वो। विपुल तुम भी? हाँ इसी की तो शादी है आज। हाँ। तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया। मैं आप लोग हमें दो मिनट दीजिए प्लीज। करण उठो मेरे साथ आओ। उठो करण। करण तुम पागल हो गए हो क्या? आज ही तो तुम्हारी और माया की एंगेजमेंट हुई है, और ये विपुल और कनिका भी पागल हो गया। तुम ये शादी नहीं कर सकते करण। मैं ये शादी करूंगा, पर वो रही मेरी दुल्हन। करण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हो करण तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये शादी करके रहूंगा। करण नो। करण तुम कैसे कर सकते हो ये शादी? तुम भूल गए तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है माया के साथ। करण करण चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। विपुल कनिका स्टॉप। विपुल विपुल माया सुनाली रुक मैं देख के आती हूँ। कनिका विपुल रुक जाओ, करण को ऐसे नहीं लेके जा सकते तुम। विपुल रुको, छोड़ो उसे विपुल, छोड़ो उसे। करण करण रुक जाओ। माया सुनाली विपुल रुक जाओ। ये सब रुक, अभी मैं करण को तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट पिक्चर्स दिखाती हूँ, फिर देख कैसे इमोशनल हो जाएगा। ओह नो क्या हुआ? हुआ क्या? इसमें जो पंडाल में जो कनिका और विपुल की पिक्चर्स ली थी, ना उसमें कनिका है ना विपुल, और ना ही कोई कोई गांव के लोग। ये जो पिक्चर्स हैं देख जी, ये कैसे हो सकता है सुनाली? कैसे ये माया कैसे ये लोग जो हमें दिख रहे हैं ना, ये लोग नहीं है, ना विपुल ना कनिका ना गांव के लोग, ये सब आत्मा है। इसका मतलब वो बॉडी विपुल की ही थी, हमारे यहाँ आने से पहले ही विपुल मारा गया, और कनिका आने के बाद मैं नो माया नो नो जाना चाहते हैं।
ये जगह सेफ नहीं है माया, लेट्स गो। नहीं सोनाली, करण तो जिंदा है ना? नहीं माया, लेट्स गो। नो नो, सोनाली सुनो, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये सब जो हो रहा है, प्लीज तुम इसे रोक सकते हो क्या? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा करंट मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ। अंबर भाई साहब, मुझे आपकी बेटी रज्जो बहुत पसंद है, हम तो इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। आप तो शादी की तैयारियां शुरू करो बस। धन्यवाद अमर भाई साहब, पर एक बार अगर अपने बेटे से पूछ लेते कि हमारी रज्जो उसे पसंद है भी कि नहीं। अरे भाई साहब, हमारा लड़का हमारी बात कभी नहीं चालता। अब फिर शहर में काम करता है, उसके पास आने के लिए समय नहीं। आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। अच्छा अब चलते हैं। रज्जो तू खुश तो है ना? हाँ भैया। अब हमारी बहन दुल्हन बनेगी। तुम्हारी शादी ना हम खूब धूमधाम से करेंगे। हाँ सुनिए भाई साहब, ये भारत आने में इतनी देर क्यों हो रही है? पता नहीं, पर मेरा बेटा भिकू पता लगाने गया है, पर ये लड़के वालों का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, अभी तक बारात क्यों नहीं आई? बारात नहीं आएगी बापू। ये शादी नहीं होगी। लड़के ने ब्याह करने से मना कर दिया। क्यों भैया, ऐसा क्यों? पहले हाँ बोला और अब मना कर दिया, क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? बहना तू रो मत, तेरी शादी होगी, जरूर होगी तेरी शादी, और देखना इससे भी अच्छा दूल्हा तुझे मिलेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ। मेरी शादी अब कैसे होगी? नहीं होगी मेरी शादी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। रज्जो 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 दरवाजा खोलो, रज्जो 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 मेरी बात सुनो, रज्जो मेरी बात, रज्जो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। इसका मतलब तुम्हारी बहन रज्जो तुम मर चुकी है? मतलब जो भी लड़का यहाँ आता है तुम्हारी बहन उससे शादी कर लेती है और फिर उसे मार देती है? मेरा विपुल भी इसलिए। सुनो प्लीज हमारी मदद करो। माया ये कह रहे हैं कि करण भी जिंदा नहीं बचेगा और हमें यहाँ से जाने को कह रहा है माया। माया यहाँ से जाना होगा, माया चल प्लीज यहाँ से चल। नहीं सोनाली, मैं करण को लिए बगैर नहीं जाऊँ। माया समझने की सोनाली, मैं करण को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। माया यहाँ पे सब आत्मा है, माया रुक जा, माया स्टॉप। सोनाली तुम गाड़ी निकालो, मैं करण को लेके आती हूँ। हाँ जल्दी फास्ट, करण चलो यहाँ से।
तुम यहाँ से जाओ। करण, करण मेरी तरफ देखो। करण तुम मुझसे प्यार करते हो, ना कि इस रज्जू से। ये सब लोग मर चुके हैं, ये मर चुकी है करण। करण चलो यहाँ से। आज हम आया यहाँ से, चली जा। इसकी शादी होगी रज्जो के साथ ही होगी। नहीं करण, करण मेरी बात सुनो। करण तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी माया हूँ। करण मेरी बात सुनो। कैसे? करण भागो यहाँ से। सुनाली गाड़ी चालू करो। तू कहीं नहीं जाएगा, तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा। नहीं सुनो, तुमने हमारे सारे दोस्तों को मार डाला, मुझे नहीं पता तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। हमें प्लीज जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। चलो यहाँ से। करण, 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 करण चलो यहाँ से। करण, करण तुम ठीक हो?
करण चलो यहाँ से. करण व्हाट आर यू डूइंग. करण क्या कर रहे हो तुम. करण तुम क्या कर रहे हो. करण छोड़ो मुझे. अब तू बचेगी नहीं. मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं. माया क्या हो रहा. नहीं भाई, मेरी बारात नहीं आई थी ना, तो अब किसी की शादी नहीं होगी, सिर्फ मेरी शादी होगी. और ये मेरा दूल्हा है. हमें भागना होगा यहाँ से. के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें.